आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां। हर्ष की मृत्यु से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस समय कई राजवंशों का उदय और पतन हुआ। इनमें चौहान वंश का उत्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने राजस्थान और उसके आसपास क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपने शासन केंद्र स्थापित किए। इनमें सांभर और सपाल दक्ष के चौहान अपनी शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी उत्पत्ति और मूल निवास स्थान विवादग्रस्त है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक चाहमान नामक व्यक्ति था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांभर के चौहानों की नींव रखी थी और इसी ने ही सांभर झील का निर्माण करवाया था। 12वीं सदी के अंतिम भाग में पृथ्वीराज चौहान सत्ता का उपभोग कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान सोमेश्वर और कर्पूरी देवी का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्प आयु में 1177 ईस्वी में अपनी माता के संरक्षण में सिंहासनारूढ़ हुआ था। उपरांत 1184 में पूर्ण वयस्क होने पर वह स्वतंत्र रूप से शासन संचालक बन बैठा था। पृथ्वीराज चौहान अपने वंश का सर्वाधिक वीर, पराक्रमी, साहसी और यशस्वी सम्राट था, जिसने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य को उत्तर में थानेश्वर और दक्षिण में जहाजपुर तक विस्तृत किया था। इस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं थी। केंद्रीय सत्ता का पूर्णतः अभाव था और उत्तर पश्चिम की ओर से मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में मुसलमानों का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। दक्षिण पश्चिम में चालुक्य अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना चाहते थे और दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल और कन्नौज का जयचंद उससे दिल्ली छीनना चाहते थे। उसकी अल्प आयु का लाभ उठाकर भादानक और नागार्जुन ने भी विद्रोह कर दिया था। यद्यपि पृथ्वीराज को विरासत में एक विशाल साम्राज्य तो मिला था, लेकिन उसका ताज कांटों भरा सिद्ध हुआ था। सिंहासनारूढ़ होते ही उसने सर्वप्रथम नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन विग्रहराज का सबसे छोटा लड़का था। विग्रहराज के बाद अमर गांगे राजा बना। कुछ दिनों के बाद पृथ्वीराज द्वितीय ने उसे हराकर स्वयं शासक बन गया था। इस समय नागार्जुन अल्प व्यस्क था, लेकिन अब वह व्यस्क हो गया था, अतः वह पृथ्वीराज तृतीय के उत्तराधिकार को चुनौती दे रहा था। उसने पृथ्वीराज के उत्तराधिकार को चुनौती देते हुए गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया। इस समय कुछ असंतुष्ट नेता भी उसके खेमे में थे। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने अपने मुख्यमंत्री कदमवास के नेतृत्व में एक विशाल सेना गुड़गांव की ओर रवाना की। इन लोगों ने गुड़गांव को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ समय तक नागार्जुन युद्ध करता रहा, लेकिन बाद में नागार्जुन भाग निकला, लेकिन उसके परिवार के सदस्य पकड़े गए। अनेक अधिकारियों और सैनिकों को अजमेर लाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। नागार्जुन के दमन के बाद पृथ्वीराज ने भादानकों के ऊपर आक्रमण किया। ये भादानक अलवर, भरतपुर और मथुरा के आसपास निवास किया करते थे। दिल्ली से जहाजपुर तक पूरे राजस्थान पर अधिकार करने के लिए इन्हें हराना आवश्यक था। यद्यपि विग्रहराज ने इन्हें पराजित कर लिया था, लेकिन ये पृथ्वीराज की अल्प व्यस्तता का लाभ उठाकर स्वतंत्र हो गए थे। इसलिए 1182 में इनके ऊपर पृथ्वीराज ने आक्रमण किया। ये भादानक पराजित होकर उत्तर की ओर भाग गए थे। इसके बाद पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महोबा चंदेलों की राजधानी थी और परमरदी देव चंदेल शासक था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इन पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमरदी देव पराजित हो गया और उसने पृथ्वीराज के साथ एक संधि कर ली थी। इस संधि
इस संधि के अनुसार उसने सीमांत प्रांत ही अपने राज्य के अंतर्गत जो थे वो रखे थे। कुछ ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कुछ ही वर्षों के बाद चंदेलों ने अपने खोए हुए क्षेत्रों के ऊपर पुनः अपना अधिकार जो था वो कर लिया था। परमर्ति देव को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज ने गुजरात नरेश चालुक्य भीमदेव के साथ युद्ध किया था। यद्यपि चालुक्यों और चौहानों के मध्य संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर के संबंध के समय इनके संबंध मधुर हो गए थे, क्योंकि सोमेश्वर का बचपन अपने ननिहाल गुजरात राजा जयसिंह सिद्धराज के यहाँ व्यतीत हुआ था। लेकिन पृथ्वीराज के शासक बनते ही दोनों के मध्य संघर्ष पुनः आरंभ हो गया था। पृथ्वीराज रासो इसके दो कारण बताता है। एक आबू के राजा सलक की पुत्री इच्छनी, जिससे भीमदेव और पृथ्वीराज दोनों विवाह करना चाहते थे, और दूसरा पृथ्वीराज के चाचा कान्हा ने भीमदेव के चाचा सारंग देव के सात पुत्रों को मार डाला था। इस पर भीमदेव ने अजमेर पर आक्रमण करके नागौर जीत लिया और सोमेश्वर को मार डाला। पृथ्वीराज तृतीय ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गुजरात पर आक्रमण कर दिया और भीमदेव द्वितीय इस युद्ध के अंतर्गत मारा गया और नागौर पर पुनः चौहानों का अधिकार हो गया था। लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि इस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था और उसके इच्छनी नाम की कोई लड़की नहीं थी। दूसरा, भीमदेव द्वितीय के सिंहासन पर बैठने से पूर्व ही सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी। शिलालेखों से पता चलता है कि भीमदेव 1239 ईस्वी तक शासन करता रहा था, जबकि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में हो गई थी। वस्तुतः दोनों के मध्य संघर्ष का मूल कारण दोनों राजवंशों की विस्तारवादी नीति थी। चालुक्यों का राज्य नाडोल और आबू तक फैल गया था और यहाँ के परमार चालुक्यों के करद सामंत थे। दूसरी तरफ पृथ्वीराज की सीमाएं आबू और नाडोल से जा लगी थी। साहित्यिक रचनाएं और शिलालेखों के आधार पर भी ये कहा जाता है कि दोनों के मध्य 1184 ईस्वी के आसपास अनिर्णायक युद्ध हुआ था, परंतु 1187 ईस्वी में दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण होने लगे थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार 1178 में पृथ्वीराज को एक अवसर मिला था कि वह चालुक्यों के साथ मैत्री कर ले। इस समय गौरी ने भीमदेव पर आक्रमण किया था और भीमदेव ने पृथ्वीराज चौहान से गौरी के विरुद्ध सहायता मांगी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने सहायता प्रदान नहीं की थी। पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के संबंध भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। जनश्रुतियों में भी इन दोनों के संबंध के बारे में अधिक चर्चाएं मिलती हैं। दोनों मौसेरे भाई थे और इनके संबंध दो कारणों से कटु थे। जयचंद पहला कारण था, जयचंद द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना और उसमें पृथ्वीराज की उपेक्षा करना। दूसरा, संयोगिता का स्वयंवर। यद्यपि दोनों मौसेरे भाई थे, पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनके नाना अनंगपाल ने दिल्ली इनका नाना अनंगपाल दिल्ली का राजा था, लेकिन वह नी संतान था, उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने पृथ्वीराज को गोद लेकर उसे दिल्ली का राजा बना दिया था। इससे जयचंद की आशाओं पर कुठाराघात हो गया था और दोनों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। जयचंद भी शक्तिशाली था, उसके पास एक विशाल सेना थी और उसने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह जो था, संयोगिता का स्वयंवर जो था वो रचा था, लेकिन इसमें उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं कर अनादर हेतु उसकी मूर्ति द्वार पर लगा दी थी। पृथ्वीराज इस पर छिपे रूप से वहां पहुंचा और संयोगिता द्वारा मूर्ति के गले में माला डालने पर उसे लेकर भाग गया था। अधिकांश विद्वान
इससे अविश्वसनीय और काल्पनिक मानते हैं। शिलालेखों से विदित होता है कि 1164 ईस्वी के पूर्व विग्रहराज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस समय तक राजसूय यज्ञ और स्वयंवर प्रथा समाप्त हो गई थी, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा इसकी ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि संयोगिता पृथ्वीराज रासो की प्रधान नायिका थी। अबुल फजल भी इस घटना का उल्लेख करता है। चाहमान वंश के इतिहासकार चंद्रशेखर के सुरजन चरित्र में भी यह कथा स्थान प्राप्त कर चुकी है। पृथ्वीराज विजय में भी यही कथानक मिलता है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गोरी को बुलाया था, लेकिन यह विश्वसनीय नहीं है। यदि ऐसा होता तो मुस्लिम इतिहासकार इसका उल्लेख अवश्य करते। वास्तविकता यह है कि पंजाब पर गोरी का अधिकार हो जाने से अधिकृत मुस्लिम राज्य की सीमाएं चौहानों की सीमाओं से मिलने लगी थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष का मूल कारण दोनों की विस्तारवादी नीति था। दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों को लेकर दोनों के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ था। जयचंद दिल्ली को हस्तगत करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता था। पृथ्वीराज की आरंभिक सफलताओं से भी जयचंद को ईर्ष्या होने लगी थी, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो ये सिद्ध कर दे कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच कोई प्रत्यक्ष युद्ध हुआ होगा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण और चौहान सत्ता का पतन। चौहानों का इतिहास तुर्कों से संघर्ष का इतिहास है। यह विग्रहराज के युद्ध से आरंभ होकर चौहानों के पतन तक चलता रहा था। तबकाते नासिरी के अनुसार 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी गजनी का गवर्नर बना। 2 वर्ष बाद ही उसने भारत पर आक्रमण कर दिया और बिना प्रतिरोध के मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उच्च के राजपूत शासक को षड्यंत्र से उसने पराजित कर दिया था। 1178 ईस्वी में उसने चालुक्यों पर भी आक्रमण किया। युद्ध में चालुक्य पराजित हुए परंतु हताश नहीं। इसके बाद उसने पंजाब जीतने का फैसला किया। 1186 में पंजाब और सिंध जीता। इससे उसकी सीमाएं पृथ्वीराज की सीमाओं से मिलने लगी थी। भारत के अंदरूनी भागों पर अधिकार करने के लिए दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करना आवश्यक था, जबकि साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वीराज को गोरी को खदेड़ना भी आवश्यक था। इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष जो था वो अवश्य अवसंभावी हो गया था। गोरी और चौहान के मध्य संघर्ष के मूल कारण इस प्रकार थे। विधर्मियों को दंड देना, दोनों की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं, भारत की अतुल धन संपदा, इस्लाम का प्रचार करना, भारत की दुर्बल राजनीतिक अवस्था और पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दोनों के मध्य 21 बार युद्ध हुआ था। हमीर महाकाव्य के अनुसार दोनों के मध्य 7 बार युद्ध हुआ था। वस्तुतः दोनों के मध्य 2 निर्णायक युद्ध जो थे वो हुए थे, जिन पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध के मूल कारणों की चर्चा हम कर चुके हैं। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी को 7 बार पराजित किया था। उपरांत तराइन के द्वितीय युद्ध में वह स्वयं हार गया था। मुसलमानी इतिहासकार केवल तराइन के 2 युद्ध का ही वर्णन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार गोरी ने 1191 ईस्वी में पंजाब के तराइन के मैदान में पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया। इसमें गोरी की हार हुई थी। तबकाते नासिरी में लिखा है, गोरी गोविंद राज के बच्चे से घायल होकर मैदान छोड़ने को विवश हो गया था। मिहानो सिराज ने लिखा है, चौहानों ने पराजित गोरी का पीछा नहीं किया और वह बगैर परेशानी के अपने देश लौट गया था।
तराइन का दूसरा युद्ध। तबकात नासिरी के अनुसार गजनी पहुंचकर गोरी ने नींद और आराम को हराम मान दिया था, अर्थात वह प्रतिशोधात्मक युद्ध की तैयारी करने लग गया और सन 1192 में करीब 120,000 अफगान, ताजिक और तुर्क अश्वारोहियों को लेकर पुनः भारत आया। शत्रु के आगमन का समाचार सुनकर पृथ्वीराज चौहान 300,000 अश्वारोहियों, 3,000 हाथी और असंख्य पदातियों को लेकर तराइन के मैदान में आ गया था। इस समय उसके साथ भारत के 150 सुप्रसिद्ध सामंत थे। इस समय चौहानों ने गोरी को सूचित किया कि यदि वह गजनी लौट जाए तो चौहान सेनाएं उसे परेशान नहीं करेगी। इस पर गोरी ने कूटनीति का सहारा लिया और यह संदेश अपने भाई को गजनी प्रेषित कर दिया तथा दोनों शासकों ने तय किया कि वह उस समय तक युद्ध नहीं करेंगे जब तक गजनी से कोई संदेश नहीं आ जाए। लेकिन यह गौरी का षड्यंत्र था जिसमें पृथ्वीराज फंस गया था। इस समझौते के बाद चौहानों ने तमाम सावधानियों का त्याग कर दिया, वो विलासिता में डूब गए और गौरी ने अचानक आक्रमण कर दिया। इस समय पृथ्वीराज नशे में चूर था, तथापि उसने युद्ध किया। जिस समय राजपूत सैनिक थकान अनुभव करने लगे, गौरी की आरक्षित सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी अवस्था में अजमेर लाया गया और वहीं उसे मृत्यु दंड दिया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम ये निकला कि भारत पर विदेशी और विधर्मी मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया, हिंदुओं को अपनी धन संपदा से वंचित होना पड़ा और चौहान सत्ता का अंत हो गया था। पृथ्वीराज की गौरी के विरुद्ध तराइन के युद्ध में चौहानों की पराजय के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे, जिनमें राजनीतिक एकता और संगठन का अभाव, पृथ्वीराज में कूटनीति का अभाव, राजनीतिक उदासीनता, सामंतवाद का प्राबल्य, आरक्षित सेना का अभाव, ईर्ष्या और द्वेष की भावना, प्राचीन युद्ध पद्धति, पृथ्वीराज के सैनिकों में निराशा, युद्ध की योजना का अभाव, पृथ्वीराज की विलासिता, तुर्कों की धर्मांध नीति और गोरी की योग्यता जो थी इसके लिए निर्भर थे। निसंदेह पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे पराक्रमी वीर और साहसी सम्राट था, जिसने अपने बाहुबल से अनेक शासकों को हराया था, तथापि उसमें कूटनीति का अभाव था।